प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। एम के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एवं सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8वीं की हम ब्रिज कोर्स पुस्तक पर कार्य करते हैं। पेज नंबर 85 से लेकर पेज नंबर 87 तक कार्य करेंगे। पाठ का नाम है समुद्र समीर और थल समीर। पहले एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो हम यहाँ देख रहे हैं अवधारणा, इसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा तीन प्रक्रमों द्वारा स्थापित हो सकती है, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा। ठोसों में प्रायः उष्मा चालन के द्वारा, गैसों में उष्मा संवहन के द्वारा और विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, रात्रि में यह प्रकरण ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह जल समीर कहलाता है। अब हम इसके वर्कशीट पे कार्य करते हैं, देखते हैं बच्चों। अब हम वर्कशीट को, पहला प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण किन प्रक्रमों द्वारा होता है? तो चालन के द्वारा होता है, संवहन और विकिरण के द्वारा, पूर्व में भी अभी हमने पढ़ा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, द्रव तथा गैसों में उष्मा का संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। अगला है तीसरा, थल समीर किसे कहते हैं? थोड़ा आगे पीछे उत्तर हो गया था, इसलिए हमने इसे सुधार कर ऊपर थल कर दिया, नीचे समीर समुद्र समीर कर दिया। तो आप भी नीचे का उत्तर ऊपर लिख लीजिए और ऊपर का नीचे। स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यही थल समीर कहलाता है। अब समुद्र समीर के जान लेते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, समुद्र समीर कहलाता है। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं, विकिरण प्रक्रम का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। अब बच्चों, अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कार्य को संपादित करते हैं। छोटे बर्तन या बीकर में पानी गर्म कीजिए या गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल, लकड़ी की स्लेट, डिवाइडर एकत्र कर उन वस्तुओं के एक सिरे को पानी में डुबोइए। कुछ देर बाद दूसरे सिरे को छूकर देखिए, अपने लक्षणों को तालिका में लिखिए। वस्तु दिया गया है, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, और यहाँ पे कह रहा है क्या दूसरा सिरा गर्म होता है। तो जैसे स्टील की चम्मच अगर हम पानी में डालेंगे तो गर्म हो जाएगी, तो हाँ। पेन अगर प्लास्टिक का है और उसे अगर पानी में, गर्म पानी में डालेंगे तो उसका सिरा गर्म होगा, तो नहीं। इसी प्रकार लकड़ी भी नहीं, डिवाइडर हाँ, क्योंकि यह स्टील का बना होता है। प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक, यह गर्म नहीं होगा। अब देखते हैं, 100 आकलन शीट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चालन, संवहन तथा विकिरण उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम है। दूसरा है, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, कालम ए में दिए गए कथनों को कालम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। जैसा हमने मैच किया है आप भी इसी तरह से मिला लीजिए। स्थल समीर के बहने का समय रात, समुद्र समीर के बहने का समय दिन, ठोसों में उष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम चालन और द्रव्यों में उष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम संवहन होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु किस प्रकार बहती है समझाइए। तो यहाँ दिन के समय वायु स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होकर, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। और तटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें जो तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु स्थल से ठंडी होकर वायु समुद्र की ओर बहती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने समस्त प्रश्नों के उत्तर जाना है। अगर आपको अन्य विषय के भी वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको समस्त वीडियो के सॉल्यूशन, पाठों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।